गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग एवरीबडी वेलकम टू आर अकेडमी नीड एंड वी आर स्टार्टिंग एन अमेजिंग अमेजिंग चैप्टर इस चैप्टर को मैं जितना बोलूँ उतना कम है दिस इज सो इम्पॉर्टेंट सो 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 इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर नीट एग्जामिनेशन नीट के लिए तो एक अलग चीज़ होती है अगर आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो ये चैप्टर हमेशा 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 इम्पॉर्टेंट रहेगा बिकॉज दिस इज

तो आपके पास बर्डन नहीं होगा और हमेशा याद रखना बेटा बैकलॉग की जब भी बात आती है लेट देर एज अ बैकलॉग लेकिन ऐसा कभी भी मत करना कि तीन लेक्चर आपने अटेंड किए और फिर दो लेक्चर में आपने लास्ट में छोड़ दिया बैकलॉग उसको नहीं कंप्लीट अ चैप्टर ताकि आपको लास्ट में ये याद रहे कि हाँ ये वाला चैप्टर मेरा अभी पढ़ना रहता है इसमें मैं दो तीन घंटे लगा के इसको कंप्लीट कर देता हूं सो सच सच थिंग्स वी वांट टू मेक श्योर ऑफ इट गुड मॉर्निंग एवरी वन कॉल एवरी वन जितने भी बच्चे यहाँ पे सेल के लिए पूछ रहे थे पहले भी काफी बच्चों ने पूछा है मैम सेल चैप्टर कब शुरू कर रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर टू अंडरस्टैंड एनी थिंग इन बायोलॉजी एनी थिंग इन बायोलॉजी बायो अगर आप पढ़ रहे हो आपको सेल पता होना चाहिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं बेटा है यहाँ पे आई एम कोमल यादव एंड आई विल बी टेकिंग योर बॉटनी सेशन ऑन यूट्यूब लेकिन अब यूट्यूब पे दो टाइम मिलूंगी मैं यूट्यूब पे इलेवन थर्टी ए एम हमारा इलेवेंथ क्लास चल रहा है वी आर कंप्लीटिंग इलेवेंथ क्लास सिलेबस इन मेधावी बैच फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ये सेशंस होंगे सुबह साढ़े ग्यारह बजे इसके अलावा सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी पी एम पे हम लोग करेंगे सी बी एस ई टर्म वन का सिलेबस राइट जिसमें मेरे पास आते हैं तीन चैप्टर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स जेनेटिक्स एंड दोनों चैप्टर जेनेटिक्स के हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एज एज वेल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ठीक है इसके अलावा वी आर गोइंग फॉर प्लस प्लस सब्सक्रिप्शन जिन बच्चों के पास है पांच बजे सेशन होंगे पंद्रह तारीख से आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फिफ्टींथ ऑफ नवंबर ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है मैंने बैच फोटो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इस मंथ में कराऊंगी फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन कंप्लीट डिटेल्स अच्छे से कवर करेंगे और स्पेशल क्लास का पहले ही मैंने आपको प्लानर दे दिया है ये पूरा हफ्ता हम बनाएंगे फ्री स्पेशल क्लास बॉटनी क्विज वीक राइट right. तो उसको वो आपको सारे लिंक्स जितने भी इस पूरे हफ्ते होंगे ये दस बजे का टाइमिंग रखा है मैंने ताकि आप स्कूल से फ्री हो अपने सारे काम से फ्री हो रिवाइज करना है तो पूरे पूरे दिन में आप रिवाइज कर लो अच्छे से एंड देन यू कैन जॉइन मी एट दिस सेशन फ्री होगा ये बिल्कुल दिस इज अ फ्री सेशन एब्सोल्युटली फ्री सेशन तो आपको कहीं भी और नहीं जाना है पूरा हफ्ता हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रात को दस बजे क्योंकि नेक्स्ट फाइव मंथ्स आर गोइंग टू बी वेरी 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 क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स हु फॉर ट्वेंटी फॉर 2022 नीट ठीक है डेली होगा बेटा डेली होगा पूरा हफ्ता स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे आज आठ आज, आज दस बजे हमारा सेशन है मिनरल न्यूट्रिशन का सो मेक श्योर दैट यू आर देयर कम्युनिटी पोस्ट में लिंक है इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो कोई भी लिंक मिस नहीं होना चाहिए राइट इसके अलावा आइकॉनिक और प्लस जैसे दो सब्सक्रिप्शन आना अकेडमी आपको प्रोवाइड करता है विद डिटेल कोर्सेज एंड डाउट क्लियरिंग एंड इंटरेक्टिव सेशन यहाँ पे इंटरेक्शन हो पाता है लेकिन आपको अगर कोई चाहिए जो एक्स्ट्रा आपको गाइडेंस दे दे आपके हिसाब से टाइमर प्लानर बना दे तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक दोनों के लिए बेटा कोड आपका रहेगा कोमल लाइव ऑलरेडी इस मंथ का नवंबर का कोर्स लाइव हो चुका है एज आई टोल्ड यू प्लान फिजियोलॉजी टू पॉइंट ओ आई एम गोइंग टू टेक रेस्पिरेशन एंड प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल्स राइट आप कोमल लाइव कोड यूज करोगे आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा और प्लीज क्लास में लेट नहीं आना चैप्टर के बीच में नहीं आना चैप्टर जैसे ही शुरू होगा मेरे को आप लोग सब क्लास में चाहिए हो ठीक है चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन व्हाट इज सेल आप मेरे को आप लोग बताओगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैट कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये बताओगे फटाफट से कि आप क्या जानते हो सेल के बारे में व्हाट डू यू नो अबाउट सेल चलिए बेटा फटाफट हाँ जी मेरा टीचर्स को बताना बंद करो क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने देखा कमेंट्स में हर टीचर के सेशन में मैम 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 ये चैप्टर चैप्टर करा करा दो मैं वो करा दो वो अरे जो चल रहा है भाई कर लो मैं सेल चैप्टर इतना लेट इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी संजीवनी टू थ्री पॉइंटो में मैंने सेल पूरा डिटेल में पढ़ाया था ठीक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद और उसको भी मैं डिटेल में यूट्यूब पर करा चुकी हूँ तो अगर आप किसी टीचर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो ये करा दो वो करा दो इसका मतलब आप अपने एंड पे नहीं कर रहे हो कुछ भी एंड दैट इज वेरी अलार्मिंग फॉर मी गुड सो सी मैक्सिमम बच्चों को पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं ठीक है वॉट एग्जैक्टली इज अ सेल अब सेल के लिए हम बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं ओके सेल इज अ बेसिक यूनिट इट इज द फंडामेंटल यूनिट मतलब ये मिनिमम है अगर आपको याद हो तो लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में हमने मेटाबॉलिज्म के लिए पढ़ा था दैट मेटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड एंड मेटाबॉलिज्म के बाद हमने पढ़ा कि उसके होने के लिए एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है और वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेल का फॉर्मेशन तो अगर सेल नहीं तो लाइफ नहीं समझ रहे हो एक बेयर मिनिमम बाउंड्री के साथ कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलनी चाहिए सो बेसिक यूनिट फंडामेंटल यूनिट द मिनिमम बेसिक रिक्वायर्ड एंड स्ट्रक्चुरल यूनिट बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चुरूनिट बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चुरल यूनिट अब यूनिट क्या मैं बोल रही हूं समथिंग दट रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है हर ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर तो है ही यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्यूलर लेकिन हरेक में सेल होगा वो फंक्शनिंग कंडीशन में है तो फंक्शनल यूनिट द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल ठीक अब आती है बात कि ये सारी कहानी शुरू कहां से हुई तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नाम है कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज है ठीक है आई नो अ लॉट ऑफ यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगा एनसीआरटी का पेज नंबर भी मैं बता देती हूँ मेरी एनसीआरटी का वो भी. रुको. एनसीआर का पेज नंबर भी मैं बता देती हूं अगर बाय चांस कोई भी बच्चा अरे मैं अटक गई हूं क्या ऑडेबुल तुम मेरे पास क्यों अटक गए हो पेज नंबर ऑन एन सी आर टी हाँ पेज नंबर सबके पास होनी चाहिए बेटा एनसीआरटी के कोई भी बच्चा है बिना एनसीईआरटी के बैठा है प्लीज, प्लीज 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 गो गेट एनसीईआरटी और हार्ड कॉपी मंगा लो सॉफ्ट कॉपी नहीं अब पीडीएफ वीडीएफ से काम नहीं होने वाला है ठीक है पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव मेरी तरफ ना प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा नेट शायद नहीं दिख रहा है एक मिनट दे दो शायद चार्ट का प्रॉब्लम है ठीक हाँ, है ओके okay, ओके okay, cool, है ठीक है तो पेज नंबर वन ट्वेंटी फाइव का जो आपके पास है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस पर कुछ डेट्स और नाम है जिसको आप अंडरलाइन करते चलोगे मेरे साथ साथ ठीक है पेज वन ट्वेंटी फाइव आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट पेज वन ट्वेंटी फाइव आई एम गोइंग टू रीड दिस आउट ओके द सेल थ्योरी सेल थ्योरी की बात करेंगे लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बात करते हैं ठीक है श्लेडन एंड शुअन का नाम आपको एनसीआरटी में मिलेगा उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी भी मैं बात करूंगी बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज ठीक है सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आ जाती है रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ही सॉ फर्स्ट सेल

ये डेड डेड प्लांट प्लांट सेल सेल है जिसके जिसके अंदर 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 कोई कोई साइटोप्लाज्म नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है मेटाबॉलिज्म है ही नहीं सिर्फ बाहर का ढांचा रह गया सिर्फ बाहर का कवर कवर रह गया तो एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने सेल नहीं देखा था उन्होंने आउटर लेयर देखी थी सेल वॉल देखी थी जैसे अगर कोई अगर मान लो आप जाते हो किसी प्ले ग्राउंड में खोदा खादी शुरू करते हो एक खोदा एक खोदा खोदा और खोदा यू इन ठीक है और फिर आप बोलो मुझे एक आदमी मिला है आदमी थोड़ी है वो ढांचा है ना सिर्फ स्केलेटन मिला तुमको ठीक है ऐसा होता था ना ऐसा पता नहीं क्यों होती है ये कहानियां मैक्सिमम होती है पता नहीं मेरे साथ ही जाए तुम्हारे साथ भी है नाइन्टी परसेंट जगह पे ये बकवास फैली होती है कि, कि किसी भी स्कूल का कोई प्लेग्राउंड है वो प्लेग्राउंड ग्राउंड शमशान घाट पर बना है पता नहीं कब्रिस्तान में बनाया कहीं शमशान घाट आ जाएगा कभी कुछ आ जाएगा कोई ना कोई ऐसा ऐसा फालतू बकवास होती ही होती है ठीक है तो ढांचा मिला स्ट्रक्चर मिला राइट तो वो जो स्ट्रक्चर है ना दैट वाज नथिंग बट सेल वॉल सो एक्चुअली रॉबर्ट हुट सेल वॉल क्योंकि उन्होंने डेड प्लांट सेल देखा था ठीक अब आ जाते हैं ल्यूवन हॉक फर्स्ट लिविंग सेल फर्स्ट लिविंग सेल तो अगर प्रॉपर सेल की बात करी जाए तो कहीं कहीं नाम में कंफ्यूजन हो जाती है ये बात की है ना हाँ तो कहीं ना कहीं इस चीज की कंफ्यूजन लिविंग सेल पहला ल्यूएन हॉक ने देखा और आपका डेड सेल रॉबर्ट हुक ने देखा ठीक है ये हमारी बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात हुई एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रक्चर्स की बात करता जाता है सेल की स्ट्रक्चर का गया ये इसकी बात करता है सो देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ सेल्स दैट वी फाइंड देखो बेटा कहानी को थोड़ा लिंक करते हैं हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है सेल ठीक है उसकी धीरे धीरे डिस्कवरी होने लगी माइक्रोस्कोप आया स्पेशली जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ उसके साथ साथ इसकी डिस्कवरी हुई अब जब मैंने माइक्रोस्कोप वाला वर्ड बोला है यहां क्या हुआ कि हमारी जो पुरानी एनसीआरटी थी उसके अंदर बहुत डिटेल में माइक्रोस्कोपी के बारे में भी डिस्कस्ड था स्पेशली लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में काफी कुछ डिस्कस्ड था ठीक है डिटेल में डिस्कशन था ये मैं बात करी दो हजार पांच चार से पहले की राइट तो जो आपको 90s के क्वेश्चंस मिलेंगे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे 1990s 1980s अर्ली 2000s के जो क्वेश्चन मिलेंगे स्पेशली एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें आपको माइक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है कि क्यों आप रेड लाइट नहीं यूज करते क्यों आप ब्लू लाइट यूज करते हो क्या उसका फोकल लेंथ है एंड ऑल दो थिंग्स क्योंकि आपका ऑप्टिक्स आ जाएगा माइक्रोस्कोपी में आपके लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन आ जाएगा नाउ दीज थिंग्स वर आस्ट प्रीवियसली बिकॉज दे वर इन योर एनसीआरटी 2005 के बाद एनसीआरटी ही बदल दी गई तो अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पिछले पंद्रह से बीस सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं ठीक <coughs> है तो माइक्रोस्कोपी पे कुछ पुराने क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसकी प्रैक्टिस मैं इस हफ्ते के एंड में संडे को पूरे चैप्टर्स के हंड्रेड क्वेश्चन वी विल सॉल्व ऑलरेडी मैं क्लास बना चुकी हूं आप लोग जाके आर्ट अकेडमी के लर्निंग ऐप पे चेक कर सकते हो उस क्लास के लिए एनरोल कर सकते हो ताकि मिस ना हो ठीक है सो मेक श्योर कि पूरा वीक आप मेरे साथ कंसिस्टेंटली पढ़ो और फिर लास्ट में एक हफ्ते के एंड में हम टेस्ट भी कर लेंगे खत्म कहानी चैप्टर ओवर जिंदाबाद ठीक है अब ये आता है हमारे पास वेरिएशन ऑफ सेल्स सो वेन यू लुक एट सेल्स देर इज ह्यूज ह्यूज वेरिएशन ठीक है बहुत ज्यादा साइज में वेरिएशन हमारे पास निकल के आता है जैसे हमारा आरबीसी आरबीसी का नियरली सेवन माइक्रोमीटर का साइज है White blood cells are even larger. The largest cell is nerve cell. Largest. Yeah, longest cell. What is the longest cell? A jata hai? This. Right. We have the largest cell. Or biggest. Largest cell. As ostrich. एग अब ये जो एग है ना बेटा ये एग की बात करी जा रही हो फीमेल गेमीट फीमेल गेमीट वाला एग अंडा वाला अंडा नहीं वो एग वाला, शेल वाला अंडा नहीं वो तो फर्टिलाइज होने के बाद बहुत कुछ है उसके अंदर ना दिस वी आर टॉक द फीमेल गेमीट तो दैट वन सिंगल गेमीट इज इन क्वाइट लार्ज मिलीमीटर्स में आ जाता है मतलब विजिबल उस रेंज में आ जाएगा ठीक है स्मॉलेस्ट सेल ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्मॉलेस्ट सेल इज माइक्रोप्लाजमा जिसको हम पी के नाम से भी जानते हैं क्लियोरोमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स दीज आर वॉललेस बैक्टीरिया ये क्या है माइको प्लाज्मा इज अ वॉल लेस बैक्टीरिया अ टॉपिक दैट वी विल डू इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फुल डिटेल्स पूरा खोल देंगे इस चैप्टर को इस टॉपिक को इतना डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं तो ये जो वॉल बैक्टीरिया है अब यहां आ गई गड़बड़ की एनसीआर ने दो अलग डेटा दे दिए सेम किताब में डायग्राम के अंदर 0.1 माइक्रोमीटर का कुछ दिया हुआ है एंड 0.3 माइक्रोमीटर इन द डेटा ऑफ एन ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना गड़बड़ सेम एन में दो अलग जगह दो डेटा दे दिए अब ऐसे में क्या करेंगे मैम आपको कभी भी अगर एनसीआरटी में कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन है तो आपको हमेशा एनसीआर कोई एक ही ऑप्शन में देगी या तो 0.1 दिया होगा या 0.3 दिया होगा दूसरी चीज अगर डायग्राम देके पूछा है तो डायग्राम के नीचे जो लिखा था वो वाला लिखना है तो हो या हो आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा चिंता मत करो अगर फिर भी किसी वजह से आ जाता है जीरो पॉइंट वन और जीरो पॉइंट थ्री सेम क्वेश्चन में कि नहीं मैम आ गया बंदूक तुम्हारे सिर पर बताओ मेरे को आंसर तो ऐसे में आप जिसको आंसर पर टिक करोगे वो दोनों ठीक होंगे तो दोनों के लिए मार्क्स मिलेंगे चील। ठीक है सिंपल सा फंडा क्लियर यहां पे डायग्राम दिख गए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इन फैक्ट टूडे इज वेल सेल थ्योरी ठीक है अब सेल थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आएगा स्लेडन स्लेडन एंड शुअन डबल एन शायद नाम एक बार चेक कर लेना नाम ठीक है स्लेडन एंड शुअन ना स्लेडन एंड शुअन दोनों के लिए आप एक चीज और याद रखोगे एंड दैट इज देयर ओरिजिन ठीक है जर्मन बॉटनिस्ट एंड शुअन ब्रिटिश जिस्ट ठीक है जुआलॉजिस्ट स्लेन एंड शोन दोनों के दोनों साइंटिस्ट अलग अलग काम कर रहे थे अपना अपना काम कर रहे थे एंड दे काइंड ऑफ केम टू द सेम इन्फ्रेंस राइट एक इंपॉर्टेंट लाइन की मैंने बात करी थी आई विल रीड इट आउट फ्रॉम एनसीआरटी चिंता मत करो एनसीआरटी सामने रखना ठीक अब इन दोनों ने क्या करा इन्होंने कहा कि हमने प्लांट्स में भी कुछ ऐसे एंटिटीज देखे कुछ स्मॉल एंटिटीज देखे एनिमल्स में भी प्रेजेंस है तो दे केम फॉरवर्ड विद कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मेड अप ऑफ सेल्स पहला पॉइंट सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द थ्योरी इज ऑल ऑर्गेनिजम्स मेडअप ऑफ सेल्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेल और उसके प्रोडक्ट से ऑर्गेनिज्म बना होता है ठीक है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं सेल के जो टुकड़े हैं जो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स सेल बनाते हैं उन सेल से ही एक ऑर्गेनिज्म बना होता है डजन मैटर वो ऑर्गेनिज्म कितना छोटा कितना बड़ा ऑल ऑल वर्ड यूज किया हुआ है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सेकंड इ दे इंटरेक्शंस बिटवीन Cells and its constituents form the structural and functional. ऑफ ऑर्गेनिज्म देखो हर ऑर्गेनिज्म सेल का बना हुआ है उसके टुकड़ों का बना हुआ है उसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है और उन्हीं के बीच के इंटरेक्शन से एक ऑर्गेनिज्म का फंक्शन स्ट्रक्चर निकल के आता है ये बात बड़ी सिंपल लगती है आज की डेट में सोचने में लेकिन जब ये चीजें सोची जा रही थी इनिशियल स्टेज पे थी तो दीज आर बिग पॉइंट्स और बिग स्टेप्स बिकॉज लोग साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोचते ही नहीं थे आज भी नहीं सोचते हैं जो चीज आपको बचपन से बताई जा रही है थिंग्स दैट यू यू आर वेरी नो ओके विद जैसे बहुत ऐसे लगता है कि हाँ ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है यार इसमें क्या है सो पॉइंट इज हाउ टू थिंक अबाउट इट साइंटिफिकली कि वो हो कैसे रहा है वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इज हाउ टू डिफाइन इट तो ये दोनों काम हुए हर ऑर्गेनिज्म सेल्स और उसके कॉम्पोनेंस का बना हुआ और उसके इंटरेक्शन और फंक्शन से उसका अ, मतलब इंटरेक्शन से उसका स्ट्रक्चर फंक्शन निकल के आता है ठीक है एक प्रॉब्लम में जहां श्लेडन एंड शोन फंसे और वो पॉइंट था कि कहां से आ रहे हैं सेल्स सेल्स दिस सेल कम फ्रॉम ये निकले कहां से तो निकले कहां से का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक एडेड हेल्प लिया हम लोगों ने तो श्लेडन एंड शोन ने जो थ्योरी बनाई थी उसमें ये दो पॉइंट थे मेन ठीक है दिस्ट ऑफ सेल थ्योरी इज दीज टू पॉइंट लेकिन एक थर्ड पॉइंट बाद में एड हुआ दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पहले से जो सेल्स हैं उनसे आ रहे सेल तो पहले फर्स्ट सेल की बात नहीं हुई है फर्स्ट सेल की बात में हम ओरिजन में पहुंच जाएंगे ठीक है एवोल्यूशन की बात हो जाएगी ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात आ जाएगी ठीक है तो उधर तक नहीं पहुंच रहे हम कह रहे हैं हर सेल पिछले वाले सेल से आता है right so all cells come from pre existing cells This line is term mein. Ominous cellular e cellular ke, kwan uncle bole? this was added by rudolf virchow completing the cell theory सेल The थ्योरी का जो फाइनल टुकड़ा पीस जो जोड़ा गया दैट वाज एडेड बाय रुडोल्फ एडेड एनसीआरटी में डन आई एम गोइंग टू रीड आउट एनसीआरटी का एक छोटा सा पैराग्राफ उसके प्लीज उस पर ध्यान देना ठीक है

एवल्यूशन में दिखने लगी नाउ सॉरी एवोल्यूशन एवोल्यूशनिस्ट लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड दैट ऑल प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच फॉर्म द ऑफ द प्लांट कूलर इसके बारे में हम अनाटमी में पढ़ चुके हैं अगर हम अपनी बात करें तो अनाटमी में ये चीज हमें काफी क्लियर हो गई थी कि सेल्स जो है साथ में ग्रुप होके टिशू बनाते हैं ग्रुप होकर टिशू सिस्टम बनाते हैं टिश्यू सिस्टम ग्रुप होके ऑर्गन बनाता है नाउ एट अबाउट द सेम टाइम ऑलमोस्ट सेम टाइम पे थियोडोर शोन 1839, नियरली द सेम टाइम 1839 और दूसरा वाला नाम आया आपका 1838 साल भर का डिफरेंस है अ ब्रिटिश जुओलॉजिस्ट स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स

इस लाइन का ध्यान रखना प्लीज ओके सो दिस लाइन एम रीडिंग अगेन ही ऑल्सो कंडक्टेड सॉरी कंक्लूडेड बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस श्वॉन प्रपोज दाइपोथिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल अब ये लास्ट लाइन में भी श्वॉन का अकेले का नाम है श्वान का अकेले का नाम है इस लाइन में भी दोबारा रीड कर दू ऑन बेसिस ऑफ दिस एनसीआरटी की लाइन के साथ जा रही हूं बेटा मैं आगे पीछे इधर उधर किसने कौन सा एक्चुअली में क्या कहा था मैं वो चीज में नहीं जा रही हूं ये लाइने एनसीआरटी की है करेक्ट इनकरेक्ट के स्टेटमेंट में आ सकती है और उधर आपको यही करना पड़ेगा जो एनसीआरटी बोल रही सिंपल फंडा ठीक है सो श्वन का अकेले का नाम है श्वन प्रपोज दिस दॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांटोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स अगलाफ पढ़ लेते हैं स्लेडन एंड श्वन टूगेदर फॉर्मुलेट द सेल थ्योरी तो सेल थ्योरी दोनों ने साथ में दी थी दिस थ्योरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स अवर फॉर्म नया सेल कैसे आता है यह नहीं पता है हमको रुडोल वर्च इन एटीन फिफ्टी फाइव ऑलमोस्ट एड लेटर

तो अब डिस्कशन में अगर मम्मी की साड़ी लाओगे तो काम नहीं चलेगा का और मम्मी की साड़ी हमारे पास क्या है बायोलॉजी में वायरसेस वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग इन वायरसेस ठीक है वायरसेस के लिए सेल थियरी डजन स्टैंड कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ सेल थेरी डजन स्टैंड बट ओवरऑल सेल सेल्थियरी इज वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक थियोरीज दैट वी हैव अबाउट ओरिजिन और यू नो फंक्शनिंग ऑफ सेल ठीक है नॉट ओरिजिन बट कैसे वो काम करता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है चलो इससे बढ़ते हैं हम आगे सेल साइज हो गया प्रो कैरियोटिक सेल की करते हैं बात ओवरऑल देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रो कैरियोटिक एंड यू पहले कैरियोटिक न्यूक्लियस ठीक है तो प्रो इज पहले कैरियोटिक न्यूक्लियस तो ऐसा सेल है जो न्यूक्लियस के ओरिजिन में आने से पहले एग्जिस्टेंस में आने से पहले बना है so that is known as उट ready as usual कुछ बच्चों ने पुराने सेशंस देखे होंगे और लाइक शेयर तो घर तो से पैसा कटता है अकाउंट से अगर लाइक आ गया तो ओ अब जो बच्चे पहले मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस अटेंड करी है या सुना है या देखा है तुम लोगों ने बहुत फेमसली देखा होगा कि मैंने प्रो का एक ही पेज पे सारा एक्सप्लेनेशन कराया हुआ है ठीक है बट बिकॉज आई एम गोइंग टू राइट अ लिटिल बिट मोर थोड़ा हम धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं और लिख रहे हैं तो मैं उसको डिटेल में कराऊंगी पेज को जैसा मेरा बोर्ड है वैसे ले लिया जाए ठीक है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मैं पहले भी समझा चुकी हूँ पोर्ट्रेट ऐसे किसी का फोटो बनाता है शाहरुख खान के पोर्ट्रेट बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे है ना ऐसे नहीं बनाएंगे ना शाहरुख खान के पोर्ट्रेट हम ऐसे बनाएंगे ठीक है और जब वो दो पहाड़ एक नदी और एक सूरज पीचेस निकलता हुआ दो चिड़िया उड़ती हुई बनाते थे तो ऐसे लेते थे इज योर लैंडस्केप ठीक तो लैंडस्केप वाले जब अलाइनमेंट uh, में आपका uh, पेपर है इसमें छोटू सा बीच में सेल बनाना लेबलिंग बहुत ज्यादा है पहले से बता रही हूँ ये बात ठीक है क्लास में बना दो तो बहुत अच्छी बात है नहीं बना पाओगे अगर साथ साथ मेरे या खिचड़ी हो जाए बाई चांस तो दोबारा ढंग से ड्रॉ करना दोबारा बनाने में कोई हार्म नहीं है इट विल गेट इन योर हेड इफ यू राइट इट अगेन एन अगेन आप बार बार लिखोगे आपकी खोपड़ी में जाएगा लेट गेट स्टार्टेड ऑन दिस ना ड्राइंग अच्छो टू साल एंड बड़ा सा डाइग्राम हाँ स्मॉल सेल विल ड्रॉ लेबलिंग यू की काफी है साइज विल बी वेरी वेरी लेस

डन रेडी चले लेट्स गो ओके गोइंग विद द आउटर मोस्ट लेयर सबसे बाहर वाला जो हमारा ये जो येलो वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं ग्लाइको केलिक्स सबसे बाहर वाला लेयर है बेटा है ना तो आउटर मोस्ट लेयर क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किससे प्रोटेक्ट करेगा एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करेगा ठीक है पैथजन से प्रोटेक्ट करेगा सबसे आउटर है ना तो आउटर लेयर इज मेजरली प्रोटेक्टिव सो फर्स्ट पॉइंट आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव अगेंस्ट वॉट लॉस ऑफ वॉटर पानी बहुत ज्यादा ना चला जाए लॉस ऑफ वाटर के लिए हम एक थोड़ा फैंसी सा वर्ड यूज करते हैं डेसिकेशन

स्पेशली प्लां एनिमल सेल की बात कर रहे हैं एनिमल सेल के अंदर ज्यादातर क्या होता है प्लांट सेल में भी मिलेगा एनिमल सेल में भी मिलेगा प्लाजो का तो नाम बार बार सुना है अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं कुछ शुगर ठीक है शुगर मान लो अलग अलग कलर की है बिकॉज ईजी है ना कलर विजुअलाइज करना स्ट्रक्चर तो आपको पता नहीं है शुगर का क्या है एग्जैक्टली exactly. कॉम्पोजिशन भी नहीं पता तो लेट्स टेक इट एज कलर अब सोचो मेरे बॉडी का आप एक सेल लेते हो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जूम करते हो जूम करते हो अंदर जाके देखते हो कि ग्रीन कलर के झंडे लगे हुए हैं सो माई शुगर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑफ ग्रीन कलर ठीक है मेरे सारे सेल्स पे ग्रीन कलर के झंडे 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 ग्रीन कलर की शुगर 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 अब मेरी इम्यूनिटी मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स ये जानते हैं कि भाई अपना ही सेल है हरा झंडा है ना अपना सेल है कूल बढ़िया बॉडी में जैसे ही बाहर से कोई बैक्टीरिया या फंगस या कोई भी और बॉडी का सेल आया ठीक है मान लो किडनी ट्रांसप्लांट हो गया ठीक है मैंने किसी ऐसे से ले लिया किडनी जिससे मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं करता है आउटर लेयर या सेल्स का कुछ भी कंपैटिबिलिटी नहीं है राइट right? अब मैं लगाया और उस किडनी के सेल्स के ऊपर इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर ब्लू कलर के झंडे थे या ब्लू कलर का शुगर था नाउ माई इम्यूनिटी सेल माई इम्यून सेल इज गोइंग टू गो मैड इम्यून रिस्पॉन्स हो ये कौन आ गया ये अपना नहीं अपने हरे रंग के छठने थे हमें पता था ये ब्लू कलर का किधर से आया इसको मारो बिकॉज इट इज अ थ्रेट ठीक है इट इज अ थ्रेट तो इसको मारो तो अच्छा खासा ट्रांसप्लांट अच्छी खासी फंक्शनल किडनी अगर गलत इंसान में लगा दी जाए तो इट विल बी रिजेक्टेड क्यों तभी हम डोनर ढूंढते हैं कि थोड़ी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो ताकि बॉडी के सेल्स को ये पता ना चले कि ये बाहर से लगाया गया है ये बॉडी ने खुद नहीं बनाया था समझे मेरी बात वो कैसे पता चल रहा है सच शुगर्स आर ऑन द सर्फिस ठीक अब ऐसे ही बैक्टीरिया भी यही करता है बैक्टीरिया के ग्लाइको के अंदर ग्लाइको वर्ड है बेटा ग्लाइको शुगर सो इट्स मेड अप ऑफ शुगर ऑन द आउटसाइड अब ये जो ग्लाइको पार्ट है द शुगर पार्ट ये बैक्टीरिया ने बोला कि यार बार बार इसी आदमी को इन्फेक्ट करना है बार बार ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करना है तो कुछ ऐसे शुगर्स तो जरूर होंगे जो सारे ह्यूमंस में कॉमन होंगे है अभी है ना हम सारे इंसान हैं तो कहीं ना कहीं कुछ शुगर तो कॉमन है ना हमें तो उन्होंने बोला अब ना ऐसा शुगर बना लेते हैं जिससे कि इनकी इम्यूनिटी को ऐसा लगे कि हम इन्हीं के सेल हैं ठीक है अब मेरे जो स्पेसिफिक बॉडी के सेल्स थे वो ग्रीन कलर के शुगर का मान लिया हमने झंडा लगाया हुआ लेकिन इन जनरल पूरा ह्यूमन स्पीशीज की अगर हम बात करें तो पूरे ह्यूमन स्पीशीज में मान लो इन जनरल वी फाइंड येलो कलर झंडा ठीक है येलो कलर शुगर ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ येलो कलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन और ये बैक्टीरिया वैसा ही शुगर अपने आउटर ग्लाइको केलेक्स में बना के निकल लेता है और इसको कैसे पता चली ये बात इतने सालों से रह रहे हैं हमारे साथ है ना ये हमारे साथ रह रहा है और ये रिप्रोडक्टिव रेट इसका ज्यादा है एक से दो चार से सात बड़ी जल्दी होता है एक से दो, दो से चार चार से आठ स्पीड बड़ी जल्दी तो रिप्रोडक्शन की तो इसको ही आइडिया लग गया है कि यार सारे ह्यूमंस में ना ऑलमोस्ट लगभग ये वाला शुगर कॉमन है तो एक काम कर अपने आउटर लेयर पे येलो कलर का शुगर लगवा और अब चल बॉडी में इंफेक्शन करने आपकी इम्यूनिटी उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही उसको लग रहा है आपका सेल है उसको लग रहा है आपकी बॉडी का सेल है ये तो नॉर्मल सेल है तो हर इंसान में होता है योर इम्यूनिटी ओके चिल और अच्छा येलो झंडा ओके निकल लिया साइड से बैक्टीरिया क्या है ठीक है तो ऐसे बैक्टीरिया हाँ कि बाहर वाले लेयर को थोड़ा कर लिया का तो बैक्टीरिया तो वो तो सर्वाइवल है उसका तो बड़ा मस चल रहा है वो भी ठीक है तो तीन चीजों से हेल्प प्रोटेक्ट कर रहा है इसको आउटर मोस्ट उसके पैथोजन से जो इसको खाते हैं उनसे प्रोटेक्ट कर रहा है और लॉस ऑफ वाटर से प्रोटेक्ट कर रहा है ठीक है आउटरमोस्ट इसके अलावा कभी कभार अटैचमेंट में भी हेल्प कर सकता है बट ग्लाइकोकेलेक्स इज ऑफ टू टाइप्स हार्ड एंड स्मूथ हार्ड लेर इज नोन एज कैप्स्यूल वेर एज दिस इज नोन एज स्लाइम लेर ठीक है कैप्स्यूल या स्लाइम लेर हो सकता है स्लाइम लेयर अगर है तो किसी चीज के अटैचमेंट में भी हेल्प कर दे बट बहुत रेयर है अटैचमेंट बट मेजर काम उसका प्रोटेक्शन है कूल अनदर थिंग यू कैन डू अगर जगह नहीं है आप अच्छे से लेबल डायग्राम बना लो ठीक है और इसको यहाँ पे वन ग्लाइकोकेलेक्स करके साइड में आप दूसरे पारली दूसरे पेज पे लिख सकते हो वन ग्लाइको केलिक्स उसके चार पॉइंट्स सो यू वॉन्ट डू दैट इन ऑफ लेबलिंग इट आप सिर्फ एरो करो वन लिखो दूसरी जगह पे वन लिखो इंडेक्स बनता है है ना जैसे वैसे बना लेना ठीक में बता मैं क्योंकि इसके बारे में, 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 को आगे पूरा में आपको बताना ही है प्रोसेस तो मैं इसको यहां पे थोड़ा कम बता रही हूँ क्योंकि आगे फुल डिटेल में आएगा सेल वॉल सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टीडो ग्लाइकन पेप्टीडो ग्लाइकन ऑल्सो नोन एज न्यूरिन पेप्टीडो ग्लाइकन एल भी आएगा जी एल वाई सी एन ग्लाइकन पेप्टीडो इज पेप्टाइड पार्ट प्रोटीन पार्ट हो गया ग्लाइकन इज द शुगर पार्ट इसका मतलब सेल वॉल जो है वो शुगर और पेप्टाइड की बनी हुई है शुगर और अमाइनो एसिड की बनी हुई है वी आर गोइंग टू टेक दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल तो अभी यहाँ पे इसकी सिर्फ इतनी ही बात करेंगे ठीक है फुल डिटेल में लिखाऊंगी ना शुगर और पेप्टाइड की बनी हुई ये वॉल आपके पास सेल वॉल इज अगेन हार्ड सो प्रोटेक्टिव टेक्टेड ठीक है वी आर गोइंग टू गो इन डिटेल्स ऑफ दिस सो नो टेंशन लिखेंगे आराम से पूरी कहानी इतनी डिटेल में कि बोलोगे हे hey भगवान बचा ले मेरे को मेरे को नहीं पढ़ना साइंस अगला ब्लू वाला थर्ड प्लाज्मा मेंब्रेन प्लाज्मा मेंब्रेन लिविंग बाई लेर अगेन वन थिंग दट वी विल डू इन दी मोस्ट डीटेल नेक्स्ट क्लास टूमोरो अगली क्लास में फोड़ेंगे इसको पूरा

जोम्स वर्ड जो है ना हम वर्ड यूज करते हैं फॉर बॉडी मीजो इज काइंड ऑफ लाइक मिडिल बॉडी ठीक मीजो जो इज ना इमर की तरफ मुड़ गई है राइट सो इट इज नथिंग बट राइटिंग ओर इनमेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा इनमेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब अंदर की तरफ बेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मुड़ा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ सेल के अंदर अंदर की तरफ मुड़ गया दूसरा फंक्शन क्या है इसका क्यों करा हमने ये फंक्शन इज एस आर 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 इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया इनक्रीज एरिया in क्योंकि देखो यहां से इतना सा टुकड़ा ले रही हूँ ठीक है इतनी सी प्लाज्मा एरिया में इतनी सी जगह नीचे कितना फैल गया ना ऑब्वियसली इसका सर्फेस एरिया इज मच हाईर देन इतना सा सर्फेस एरिया या पूरे का ही ले लो इसका सर्फेस एरिया इसका सर्फेस एरिया इज मच हाइयर सो दिसर सर्फेस एरिया है कि नहीं सो सर्फेस एरिया ज्यादा टू इंक्रीज इंटरैक्शन आगे काम आएगा राइट सो इंक्रीज सर्फेस एरिया फर्स्ट पॉइंट दूसरा रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है तीसरा रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया के ये प्रोकैरियोट के रिप्रोडक्शन के टाइम पे हेल्प करेगा प्रोकैरियोट इज नथिंग बट बैक्टीरिया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करने का भी काम करता है क्यों क्योंकि में से बहुत सारे हो सकते हैं ठीक है मल्टीपल हो सकते हैं मैंने एक दिखाया है इंपॉर्टेंट वाला क्योंकि इसके पास यहां पे बीच में अपना जेनेटिक मटेरियल चिपका होता है ये भाई साहब जेनेटिक मटेरियल को अपने पास चिपका के बैठे ठीक है बच्चा क्लियर Hmm. आज के मिनरल न्यूट्रिशन का जो टेस्ट होगा वो ऊपर लिखा हुआ भिला, भिला, चार्ट सेक्शन में ऊपर पेंड है तो आप रिवाइज करके आराम से आ सकते हो दस बजे का टाइमिंग लेट इसलिए रखा है मैंने डन ना मेज़ोसोम का फंक्शन ये हुआ स्ट्रक्चर वैरी करता है ठीक है स्ट्रक्चर कैसे वैरी करता है थर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर देखो अगर ऐसा है नॉर्मल तो इसको हम बोलते हैं वेसिकल वेसिकुलर या वेसिकल मिजोम फिर ऐसे फिंगर जैसे है दिस इज नोन एज लैमुलर मीजोजोम एंड ट्यूब जैसा है ट्यूबलर सो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ठीक है बच्चा? क्लियर? अब देखो। प्लाजा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बेंड होती है डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं तो लेट्स एग्जाम्पल आ जाता है यहीं पे ये membrane, अगर मान लो ऐसे अंदर को bend कर है तो ये कैसा वाला extension हो गया? यह काइंड ऑफ इज ट्यूबुलर अब कुछ ट्यूबुलर कुछ मैंने बोला सारे नहीं कुछ सम ऑफ देस ट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलर मीजोजोम्स दे स्टार्ट होल्डिंग पिगमेंट अपने अंदर क्या कर लेते हैं ये अपने अंदर Pigment rakhle there. Now that pigment holding, mesosome is called as one two three four five. Chromato four. Chromato four. Chromato four is pigment. ट्यूब्यूलर मीजो जो एक्सटेंशन बेटा सिंपल सा फंड है पिगमेंट स्टोर कर रहा है पिगमेंट स्टोर कर रहा है तो क्या करेगा फोटोसिंथेसिस वो भी ग्रीन दिखाया मैंने आपको पिगमेंट ठीक है तो इट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ये किसमें हेल्प कर सकता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट तो क्या सारे बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं नहीं कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं ठीक है ठीके? जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गा जिसको हम साइनो के नाम से जानते हैं नफॉर्म फोटोसिंथसिस तो उनमें यह एक्सटेंशन मिलेगा आपको हर बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा ठीक है क्रोमैटो फोर क्रोमैटो मीन कलर्ड फोर मीन स्टॉक तो कलर वाली डंडी कलर्ड डंडी अब कलर रंडी इज डूइंग फोटोसिंथेसिस सिंपल फंडा जब तक वर्ड का मतलब पता है कंफ्यूजन नहीं होगा रटोगे मैम रट लेता रटने का रट लो रट लो रटो इतना रटो कि जिंदगी में इससे अच्छा किसी ने रटा ना हो ठीक है फिर रटो तो ऐसा रटो नहीं तो फिर क्या ये रट भी नहीं पा रहे ठीक चलो क्रोमेटो हुआ ये सारा कुछ कचरा कहां भरा हुआ है ये बीच वाले पार्ट में है ना ये सब कुछ कहाँ है एवरी थिंग एवरी यू सी इज इन दिस एरिया अंदर वाला एरिया एरिया वेर एवरी प्लेस थोड़ा सा फ्लुइड भरा हुआ है सेल के अंदर यहाँ पे दर इज ए लिक्विड हेयर एंड ऑल द इंटरेक्शन मेटाबॉलिक रिया एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस हेयर राइट दिस एरिया इज नोन एज साइटोप्लाज्म Cytoplasm is the main arena for all metabolic activities. ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जितनी भी रियाक्शन होनी है जितने भी साइकिल्स चलने हैं जितना भी फिजियोलॉजी का काम है वह सारा इस एरिया में होगा एंड दैट इज नोन है एरिना का मतलब एरिया जैसे आपका एनुअल फंक्शन जो स्कूल का होता था वो आपके एम्फी थिएटर में होता है या आपके ग्राउंड में होता है दैट इज द एरिया वेद मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस एरिना ठीक है तो हमारे पास टोटल कितने आ गए बेचा वी हैव अ टोटल ऑफ फाइव पॉइंटर ग्लाइकोकेलेक्स आउटर मोस्ट ठीक है इट कुड बी हार्ड और स्मूथ फिर उसके बाद आता है सेलवॉल मेडअप ऑफ एपटीरोन प्लाज्मा मेंब्रेन फर्स्ट वोलोपेड बाय लेर है जिसको आप सेलव वॉल या से सॉरी सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हो ठीक है देन वी हैव क्रोमैटो फोर अ स्टॉक विच कैरीज कलर एंडॉर्म फोटोसिंथसिस इन सम बैक्टीरिया किसी किसी बैक्टीरिया में मीजोजोम्स इमेजिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लांट के अंदर सॉरी बैक्टीरिया के अंदर अगर कोई कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर रहा है जिंदगी में जितना उसको करना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो मीजिजो में ठीक है एंड देन देर इज द एरिया वेर ऑल द वर्क विल बी डन दैट इज साइटोप्लाज्म ठीक है छः पॉइंट डन डन टिल योर एवरी जो भी बच्चा पार्टी यहाँ बैठी है लिख रही है साथ साथ आई यू डन टिल योर ठीक है मूविंग टू द नेक्स्ट अब मैं ना फटा फटाफट अगर तुम्हारे पास जगह है इफ यू हैव स्पेस यू कैन लेबल इट ह्यूर ओनली बट बहुत खिचड़ी हो जाएगा इसलिए मैं फटाफट से दूसरे पेज पे बना रही हूं एंड वी आर गोइंग टू लेबल थिंग्स आउट देयर ऑल्सो ठीक है अगर सेम में जगह है तो सेम में बना लेना नहीं तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉप फटाफट से अनदर बैक्टीरिया बैक्टेरिया ओके अगेन द सेम बैक्टीरिया हाँ पीछे वाले मैंने क्रोमाटोफोर अलग से एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा दिया था उसके अलावा लेट्स ड्रॉ इट नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर सेवन आपको इस आरिना के अंदर मेन आरिना जो साइटोप्लाज्म है यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे ग्रेन्यूल जैसे ग्रेन जैसे ठीक है दूर से देखने में दीज ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स आर नोन एज पॉइंट नंबर सेवन सेवेंटी एस राइबोजो नाउ राइबोजोम्स आर प्रोटीन मशीनरीज ये क्या करते हैं दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन बनाने में मदद करता है एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है और ये ये स्ट्रक्चर दो दो पार्ट्स में में बना होता है, दो टुकड़ों में बना होता होता है, ठीक है, है? टुकड़ों ठीक दैट टुकड़े 70S को अगर आप तोड़ते हो, तो 50S 30S. ये तो इट इज़ एंड मैम बोला सेवेंटी मैथ्स नहीं आती कैसे, कैसे बोला हमने उसको हम क्या करते हैं

ये ऐसा होता है एक बड़ा पार्ट एक छोटा पार्ट द बड़ा पार्ट एंड द छोटा पार्ट वेन आर टूगेदर ठीक है तो वो अपनी साइज और डेंसिटी हाउ मच डेंस एंड उनका साइज क्या है उसके हिसाब से वो बड़ी सी ट्यूब में मान लो एक बड़ा सा आपने ट्यूब लिया और उसको बहुत जोर से घुमायाोल गोल 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 बहुत पीड़ा घुमाया तो वो थोड़े टाइम में एक पॉइंट पे आके सेटल करेगा नीचे सेटल कर रहा है तो भारी है ऊपर है फ्लोट कर रहा है तो हल्का है डेंसिटी कम है है ना तो डेंसिटी और साइज का एक इक्वेशन एक में हमारे पास वो एक वैल्यू दे के जाता है तो इमेजिन करो जैसे आपके पास ये ट्यूब है एंड दिस इज लाइक हंड्रेड नाइनटी सेवेंटी सिक्सटी ऐसे 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 ऐसे, 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 ऐसे है मेजरिंग सिलेंडर होता है ना जैसा वैसा मेजरिंग सिलेंडर जैसा है बहुत जोर के आपने घुमाया तो जब ये दोनों के दोनों सब यूनिट साथ जुड़े हुए थे राइबोसोम के तो ये सत्तर की वैल्यू दे जाते हैं आपको तो हम इसको बोलते हैं सेवेंटी एस एस ह्योर स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कौन सी वैल्यू पे वो सेडिमेंट कर रहा है सेडिमेंटेशन हैं हम उसको जो कि हमें इनडायरेक्टली साइज और डेंसिटी के बारे में बताता है मैम आप लिख दो मैं लिखूंगी जब मैं राइबोसोम को डिटेल में कराऊंगी तो मैं लिख भी दूंगी ठीक है तो आपने बहुत जोर की स्पीड में घुमाया था वो कहाँ सेटल कर रहा बेटा वो सेटल किया एक वैल्यू पे दैट इज उस वैल्यू को हमने डिनोट करने के लिए अलग मेजरिंग पैरामीटर ले लिया यूनिट ले लिया एंड दैट इज सेडिमेंटेशन इट वैल्यू सेटल एट सेवेंटी दैट इज एन इनडायरेक्ट मेजर ऑफ साइज एंड डेंसिटी ठीक है लेकिन मैम ये फिफ्टी थर्टी का क्या लॉजिक है ये लॉजिक कुछ ऐसा है कि इमेजिन करो यू हैव अ डब्बा ओडोमोस की ट्यूब लेते मच्छर जिंदगी डेंगू भगाओ ठीक है ये तुम्हारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है ठीक दिस इज द फिफ्टी एय दिस इज थर्टी ईर्स ठीक है ये फिफ्टी एस है ये थर्टी ईस है अब जब मैं इसको बंद कर रही हूँ बेटा तो जो इसका टिप वाला पार्ट है ना ये देखो ये जो टिप वाला पार्ट है ये अंदर चला गया प्योरली अगर एड ऑन होता तो so 50, exactly 50 30 टुगेदर आर नॉट एग्जैक्टली एडिंग ऑन अगर ये प्रॉपर एड होता ना तो ये ऐसे एड होता दिस वुड हैव बीन द हाइट डिफरेंस समझ रहे हो ये इसकी एक्चुअल हाइट होनी चाहिए थी अगर ये प्रॉपर प्योरली सिर्फ एड होता 50 30 मैम 80 होना चाहिए वो कैसे होता वो ऐसे एड होता लेकिन 50 30 70 कैसे है बिकॉज़ सम पार्ट ऑफ इट इज गोइंग इनसाइड रिड्यूस द साइज अ लिटिल बिट ठीक है रिड्यूसिंग द साइज अ लिटिल बिट इसीलिए इट इज नॉट एटी बिकॉज आई एम नॉट जस्ट पुटिंग वन थिंग ऑन द अदर आई एम नॉट प्लेसिंग इट हियर आई एम ऑल्सो इंसर्टिंग सम पार्ट ऑफ इट थोड़ा सा पार्ट अंदर भी एंटर कर जा रहा है सो साइज एंड डेंसिटी ऑल्सो रिड्यूस इंडिविजुअली जो उसकी साइज और डेंसिटी है वो ज्यादा है मिलने के बाद वो थोड़ी सी कम हो जा रही है ठीक है चलो दिस इज सेवेंटी एर्स राइबोजोम्स अब आता है अगला स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज इन द मिडल The genetic material. Genetic material of a prokaryotic cell or of a bacteria is circular, double stranded DNA. डीएस डी एन ए डी एस डी एन ए अगर नहीं पता है किसी बच्चे को बिकॉज मैं ये चैप्टर बाद में कराना चाह रही थी आफ्टर बायोमोलिक्यूल्स जो सीप नाम ने बायोमोलिक्यूल्स कराया होगा है ना और जो जनता सो रही थी प्लीज और कुछ नहीं पढ़ो बायोमोलिक्यूल्स में डी एन ए का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ लेना जब तक कि मैं मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस पे आकर खुद नहीं पढ़ाती दिस विल स्टॉप मेकिंग एन सेंस इफ यू डू नॉट नो द स्ट्रक्चर ऑफ डी एन ए और डी एन ए का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आज तक की भी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से एक ठीक है तो डीएनए का स्ट्रक्चर जरूर देखना बायोमोलिक्यूल चैप्टर में ये सर्क्यूलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया के अंदर या जिसको हम बोल रहे हैं राइट ना वॉट इज इट नोन एज इसके बहुत सारे नाम है न्यूक्लियस तो है नहीं बेटा न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए था वी आर प्रो कैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस ठीक है सो दिस जेनेटिक मटीरियल हियर इज नोन एज जीनोर पहला फर्स्ट जीनो फोर दूसरा प्रो क्रोमोजोम क्रोमोजोम से भी पहले की बात की जा रही It's not exactly a chromosome, primitive chromosome, है इट्स नॉट एग्जैक्टली अ क्रोमोजोम प्रिमेटिव क्रोमोजोम ठीक है न्यूक्लियस बोलना ही है इंसीपिय न्यूक्लियस नॉट अ वेरी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सबसे ज्यादा कॉमन नाम जो हम इसके लिए यूज करते हैं न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड ठीक है ये सारे नाम इस जेनेटिक मटेरियल के हैं सबसे ज्यादा कॉमनली यूज ने न्यूक्लियोइड ठीक बेटा जी ओहो इनोसेंट बॉय का अपना ही फैन क्लब चल रहा है मेरे चैट सेक्शन में घर चले जाओ ना तुम लोग एक दूसरे के कहा है? हाँ, इतना टेक्नोलॉजी का वेस्ट स्वेटबर्ग वॉज द साइंटिस्ट तो स्वेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है इसको सेटिमेंटेशन को सेटवर्क को का नाम है वो तो हाँ जी चलिए जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रोक्रोमोसोम न्यूक्लियोइड प्रोक्रोमोजम न्यू इनसीपियन न्यूक्लियस और क्या बोलते हैं हमने इसको जीनोफोर सब कुछ इसी को बोल रहे हैं ठीक फिर आ जाते हैं हम एक्सटेंशन पर वी आर गोइंग टू गो फॉर सम आउटवर्डली एक्सटेंशंस खेलेंगे हम थोड़ा ठीक सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारे पास स्ट्रक्चर है एक्सटेंशन का दैट इज समथिंग लाइक योर ठीक है ये क्या बना दिया हम पूछ जैसा तो पूछ जैसा जो इसका स्ट्रक्चर है दिस इज नाउ सी व्हाट हैपेंस विद फ्लाजला इज इज़ अ स्ट्रक्चर फॉर लोकोमोशन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया अगर किसी तरीके से चल सकता है खुद एक होता है धक्का मार दे कोई उसको पानी में पड़ा पानी जिधर जाएगा उसके साथ निकल जाएगा So that is being mobile, कि मैं खिसका सकती हूँ इसको चलना है खुद अपनी बॉडी की खुद एनर्जी लगा के अपने सेल से खुद एनर्जी लेके सो दैट इज ओनली विद्प ऑफ फ्लाजुला सो फ्लाजिला स्ट्रक्चर इसके चलने में मदद करेगा अ प्रो कैरियोटिक फ्लाजिला इज डिफरेंट फ्रॉम अ यू कैरियोटिक फ्लाजिला जो है वो एक यू कैरियोटिक फ्लाजुला से अलग दिखता है कैसे अलग दिखता है लेट्स ड्रॉ इट आउट ये बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके दिस okay? इज योर mm, पर्पल से बना दे रही हूं मैं सेल वॉल सेल वॉल ठीक है लेबलिंग एंड आउट दिस इज सेल वॉल दिस इज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है ठीक है ओके okay, डन चलो अब आ जाओ इधर लुक एट दिस इसमें ना आपको काइंड kind ऑफ of, चार रिंग्स मिलेंगे ठीक है गोले मिल गए ना चार चारों का लाइन देखना चारों को वहीं बनाना जहाँ बनाया है या फिर रुक जाओ दो मिनट लॉजिक समझ लो फिर ड्रॉ कर लेना ठीक है जैसे लुक एट दिस दिस इज इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली रिंग है तो इसका नाम है पी ये पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है तो इसका नाम है या एम सॉरी नॉट पी आई ओ इसको आप कैसे करूँ पता ही था मुझे बाप रुको ब्रेन में है ना तो एम आएगा नाम इट इज प्रेजेंट इन द मेमब्रेन सो इट्स नेम इज एम रिंग इट इज इन द देंब्रेन ठीक है अगला इट इज इन द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेमब्रेन एंड सेल वॉल सेल वॉल और प्लाज्मा के बीच के स्पेस में है एस रिंग स्पेस एस ठीक ये सेल वॉल में है और सेल वॉल किसका बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकन का बाहर इसके पास शुगर था ग्लाइकोकेलेक्स वाला लेयर है थोड़ा लिपिड भी फॉर्म हो सकता है लाइपोपोलीसैक्राइड लेक लाइपोपोलीयर कहाँ होता है कैसे आता है याद रखना इस structure को दोबारा रिपीट करूंगी मैं गोइंग टू रिपीट दिस सेम स्ट्रक्चर अगेन जब मैं ग्रामिंग आपको बताऊंगी देर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया वाला स्ट्रक्चर दिस इज नोन एज ये पूरे स्ट्रक्चर को गोल गोल घुमाने के लिए है एंड दिसमेंट मूव जो कर रहा है ठीक फिल्मेंट जो है बॉडी के सबसे दूर है इट्स लाइक दिस तो उंगलियां क्या होंगी सबसे दूर डी फॉर डिस्टिल डी फॉर दूर लेकिन अटैच किस पॉइंट से है? मेरा हाथ यहाँ से नहीं हिल रहा है यहाँ से हिल रहा है मैं ऐसे ऐसे नहीं हिल रही ऐसे ऐसे या फिर और मस्त चीज सपोज दैट दिस इज हुक ठीक है यहाँ पे मान लो यहाँ आपके पास हुक है तो ये ऐसे ऐसे जा रहा है बिकॉज ऑफ द हुक इट कैन रोटेट लाइक दिस वो जो हुक है वो गोल गोल घुमाने को की कोशिश कर रहे हैं थ्री डिग्री ऐसे स्क्रू जैसा ठीक है सो दिस पार्ट हुक इज गोइंग टू मूव फिलामेंट फिलामेंट के मूवमेंट से आपका पूरा बैक्टीरिया मूव करेगा और ये जो आपके पास है ठीक है सबसे इधर है तो दिस इज द एंड सबसे पास है बैक्टीरिया के प्रोक्सिमल ये सबसे दूर है तो दिस इज डिस्टल बार बार रिपीट किया है डी से डिस्टल डी से दूर पी से प्रोक्मल पी से पास ठीक है से से डिस्टल डी दूर पी से पी से पास दिस इज वेयर यू सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो कैरियोटिक फ्लाजिला प्रो कैरियोटिक फ्लैजिला अब ये तो हुआ चलने के लिए लेकिन अगर चिपकना हो किसी चीज को तो

लेस इन नंबर छोटा है नंबर में कम है नंबर में ठीक है उसकी जगह दूसरे अगर बहुत सारे हैं फिम्बरे स्मॉल मेनी इन नंबर लार्ज नंबर ऑलमोस्ट जैसे आपका टूथब्रश होता है ब्रिसल्स होते हैं टूथब्रश पे आपने एड सुना होगा कोलगेट का ब्रिसल्स वाला तो बहुत सारे ब्रिसल्स है दैट इज नोन एज योर फिम्बरी वैसा दिखेगा फिम्बरी सीलिया बैक्टीरिया में नहीं होता लिखोगे कमेंट सेक्शन जल्दी चैट बॉक्स फैम करो क्विकली इन चैट बॉक्स सीलिया इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया 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 ठीक है पाइलस और पिम्बरे हैं क्यों लॉन्ग एक्सटेंशन हो चाहे छोटे 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 बहुत सारे हो ये क्यों है बोथ ऑफ देम आर फॉर अटैचमेंट बोथ ऑफ देम दे हेल्प इन अटैचमेंट टू सब्सट्रेट स्ट्रेट किसी चीज को चिपकने के लिए नॉट फॉर लोको मोशन ये चलने में मदद नहीं करेंगे चलने में सिर्फ एक चीज मदद करेगी और वो है ये ठीक है चलने में सिर्फ एक चीज मदद करेगी एंड दैट इज गुड एंड दैट इज पहली क्लास में ब्लॉक हो गए हो स्पैम करो ब्लॉक हो जाओ चले आगे सो वी हैव कंप्लीटेड टोटल ऑफ टेन लेबलिंग्स प्लाजला ठीक है लोकोमोशन के लिए सेवेंटी एस राइबोजोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फिमरे और पाइलस फॉर अटैचमेंट नॉट फॉर लोकोमोशन एंड जेनेटिक मटेरियल ठीक है मेरे हिसाब से तो हो गए सारे कोई बचा है तो बता दो एक बार anything that you want to know you can ask me in the comment section, chat section. बाकी आई थिंक वी हैव क्वाइट्डेड हाँ जी हाँ एक चीज और लिख सकते हो ये चीज और लिख सकते हो कि देखो प्रो में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है There's a phenomena of ऑफ of लॉट ऑफ प्रोटीन मशीनरी ऑन वन सिंगल स्टैंड आपको प्रो में ये चीज ना बेटा आगे जाते जाते खुद क्लियर हो जाएगी और इसका एक्चुअल सेंस आपको मिलेगा ट्वेल्थ क्लास के मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में ठीक है यू विल फाइंड द लॉजिक देर तो अभी क्या है ना अभी चीज सिर्फ समझने की और थोड़ी सी याद रखने की है क्योंकि जो लॉजिक बैठेगा वो लॉजिक बैठेगा ट्वेल्थ क्लास के फिफ्थ या सिक्स चैप्टर जो भी आपका आता है बेसिस ऑफ ऑफ इनहेरिटेंस एंड दैट इज प्रेजेंस पॉली राइबोसोम्स और पॉलीजोम्स पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स क्या होते हैं जब हम प्रोटीन बनाते हैं ना तो हम कुछ पढ़ के प्रोटीन बनाते हैं हम ऐसा नहीं किए प्रोटीन बनाते बोले ले जैसे आप अगर आ, कुछ किसी नई जगह जाते हो ठीक है मसाला डोसा मंगाया आपने ऑर्डर किया तो उसको बताते हो मसाला डोसा भैया ऐसा बनाना आलू थोड़ा प्याज डाल देना चाय पनीर डाल देना रेसिपी so, है ना कुछ बिल्कुल नई जगह आप कंप्लीटली न्यू प्लेस यू वॉन्ट समथिंग टू बी मेड अकॉर्डिंग टू यू तो उसमें आप क्या करोगे आप अपना कुछ ना कुछ इन डायरेक्शन दोगे सामने वाले तो हम जब प्रोटीन बनाते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते कि तू बना दे प्रोटीन वी गिव द स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कि ये है तेरी script, इसको ट्रांसलेट कर दे प्रोटीन में अपना दिमाग मत लगाना मैंने जो दिया है स्क्रिप्ट एज इट इज इसको उठा और ट्रांसलेट कर दे इंग्लिश में दिया स्क्रिप्ट मैंने तू हिंदी में बना दे बस अपनी लाइने ऐड करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ऐसा ही कुछ करने वाला है हमारा राइबोसोब्स राइबोसोम्स वायल मेकिंग प्रोटीन जस्ट कन्वर्ट वन थिंग इनटू टू अदर इसलिए हम इस प्रोसेस को भी ट्रांसलेशन कहते हैं जैसे आप एक लैंग्वेज को दूसरे में ट्रांसलेट करते हो ऐसे हम डी और आर uh, की जो लैंग्वेज है उससे हम प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स की लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं बट प्रो क्योंकि बहुत छोटा है साइज में जल्दी जल्दी डिवाइड करता है सिंस इट डज नॉट हैव दैट मच ऑफ टाइम लाइफ स्पैन बहुत बेचारा आपने देखा ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन कितनी जल्दी फंगल इन्फेक्शन स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आज थोड़ा सा कल फैला हुआ है पूरी बॉडी में अलग ही बुखार कल तक तो ठीक थे so, उनके बॉडी के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन बनाना पड़ता है कम टाइम में ठीक है तो ऐसे में उन्होंने ढूंढ के निकाला है एंड दैट इज कि क्यों ना हम एक एम पे मैसेंजर आर जो मैसेज लेके आया है एक ऐसा जो messenger है जो मैसेज लेके आया है क्यों ना मैं उस पर लगा दूं बहुत सारे राइबोजोम्स और जल्दी जल्दी करा लूं ये काम सो एन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ एम आर एन ए मल्टीपल राइबोजो अटैच समटाइम्स टू फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन्स एंड टू जस्ट इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन प्रोटीन सिंथेसिस ठीक है कभी कभी ये अलग अलग प्रोटीन बनाने के भी काम आता है अगेन एज आई टोल्ड यू लिंक बनेगा जब हम मॉलिक्यूलर बेसिसीज द स्पीड और कभी कभार टू फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन सो दैट इज पॉलीराइबोसोम्स और पॉलिजोम्स ठीक है अच्छा हाँ इंक्लूजन बॉडीज अब देखो बैक्टीरिया बेचारा आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो बुरे दिन आएंगे है ना हमेशा हम लोग भी उसी चीज के लिए थोड़ा प्रिपेयर करके चलते हैं कि चलो आज तो है तुम्हारे पास बहुत कुछ लेकिन जब बुरा टाइम आएगा तब उसके लिए क्या तो वी आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग फॉर सम बुरा टाइम जैसे कि हम इन्वाइट कर रहे हैं कि हम प्रिपेयर हैं अब आ जाए बुरा टाइम ठीक है सो so, दैट बुरा टाइम और अनप्रिडिक्टेबल टाइम ये बैक्टीरिया भी करता है सो दिस इज अ लॉ ऑफ नेचर सेविंग समथिंग फॉर द बैड टाइम्स थिंग्स अ वेरी गुड बहुत सनलाइट है बहुत चीज़ें हैं बहुत कुछ है खाना ही खाना भर भर के खाना है मेरा ठीक है ऐसे में मैंने बहुत चीजें इकट्ठी कर ली हैं और इतनी ज्यादा है अभी मेरे पास कि मेरे को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए आई नीड टू स्टोर इट समेयर एक्सेस में आ रहा है सामान तो उसमें हम क्या करते हैं वी गो फॉर सम स्टोरेज ठीक है हम कुछ स्टोरेज बना लेते हैं एंड दी स्टोरेज आर नोन एज इंक्लूजन बॉडीज Inclusion bodies could be just a simple reserve food material in form of granules Chote -chote granules, bana leta hai. fat, granules, starch, granules. Take it can also store them as protein. तो डिफरेंट फॉर्म में वो अपने पास इकट्ठा कर लेता है सामान फॉर एन अनफेवरेबल कंडीशन फॉर सिचुएशन विच आर नॉट वेरी ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ और शायद हो सकता है जिंदा रहने के लिए लायक भी ना हो हवा पानी ही बदल जाए चारों तरफ तो ऐसे में प्रिपेयरिंग फॉर एन अनफेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म्स इंक्लूजन बॉडीज कुछ बैक्टीरिया जो पानी में रहते हैं वो एक एडिशनल स्ट्रक्चर और लेके चलते हैं विच इज जस्ट एन एडिशनल स्ट्रक्चर नॉट नेसेसरली सब बैक्टीरिया में होगा स्पेशली पानी होल्डिंग जगह पे ज्यादा होगा एंड पानी में रहने वाले बैक्टीरिया में ज्यादा होगा एंड दैट इज नोन एज गैस वैक्यूल अब गैस वैक्यूल कुछ भी नहीं है बेटा इट इज जस्ट एन एयर बबल हवा का बबल है उसे साइटोप्लाज्म में अब किसी के अंदर अगर अंदर ही हवा भरी हुई है तो हल्का हो गया ना मेनटेन्स बास हेल्प्स इन फ्लोटिंग सो गैस वैक्यूल इज अम्रेनलेस मेम्ब्रेन, लेस वैक्यूल हेल्प्स इन बाय तैरने में मदद करेगा उसका फ्लोट करने में हेल्प करेगा समथिंग दैट इज प्रेजेंट इन वाटर, अब ऑब्वियसली लैंड पे जो बैक्टीरिया है आपके स्किन पे जो ग्रोथ कर रहा है उसको क्या जरूरत है बाइनसी की उसको कहाँ तैरना है ठीक है तो दिस इज सीन इन बैक्टीरिया विच इज इन वाटर और दूसरी चीज एक तो वो पानी में होना चाहिए दूसरा ये किसी इसके आसपास कोई मेम्ब्रेन नहीं है बेटा एयर बबल है हवा ठीक है अब जैसे सिंपल सा फंडा लो आप ग्लास लेते हो ग्लास में आप स्ट्रॉ लगाते हो स्ट्रॉ में आप सूख मार देते हो तो एक बबल क्रिएट होता है है ना एयर है उसके अंदर लेकिन उस क्या उस एयर का कोई मेम्ब्रेन है कोई फॉस्फोलिपिड बायलेयर है चारों तरफ नहीं लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स का एक लेयर जरूर बना हुआ है चारों तरफ तो मेम्ब्रेन लेस क्यों क्योंकि ऐसा कोई प्लाज्मा मेंब्रेन जैसा मेंब्रेन नहीं है मेरे पास आई डू नॉट अ प्लाज्मा मेंब्रेन लाइक मेंब्रेन बट ऑब्वियसली आई हैव वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ एक लेयर में लगे हुए ऐसे साइटोप्लाज्म में जब एक बबल आएगा तो यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी मेम्ब्रेन नहीं होगी लेकिन लेकिन साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स का एक लेयर जरूर बन जाएगा चारों तरफ राइट सो इट इज मेम्ब्रेन लेस विद रिस्पेक्ट टू नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड इट ठीक है आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द पार्ट्स सो गैस वैक्यूल को भी हम हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा एंड आज की कहानी होती है यहीं पर समाप्त कल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद ग्राम स्टेनिंग ये सारा कुछ मैं कल की क्लास में बनाऊंगी ठीक है तो डोंट मिस टूमोज क्लास फॉर ग्राम स्टेनिंग दिस इज वेयर यू विल फाइंड आज का पी ठीक है साढ़े ग्यारह साढ़े छः बजे आज सेशन है सिक्स थर्टी पे फ्लॉरिंग प्लांट्स आइकॉनिक और प्लस पे इफ यू लाइक माई टीचिंग यू कैन ज्वाइन मी ऑन आईकॉनिक एंड प्लस आइकॉनिक में यू आर गेटिंग एडेड बेनिफिट प्लस के साथ साथ प्लस में आपके पास इंटरैक्टिव डिटेल सेशन होते हैं जहाँ हम लोग ज्यादा डाउट क्लियरिंग कर पाते हैं ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाते हैं ठीक है सो कॉमन लाइफ कोड इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर आईकॉनिक एज वेल एज प्लस आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा फिफ्टीन नवम्बर से शुरू होगा हमारा नया बैच जिसमें आई एम गोइंग टू टेक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो ये कंप्लीट और दिसंबर से वी आर स्टार्टिंग अगेन विद इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ का सिलेबस ऑन प्लस ठीक है सो दिस इज 5 पी एम एवरी डे फ्रॉम फिफ्टींथ ऑफ नवंबर तब तक आप अपने बैकलॉग्स कवर कवर कर सकते हो मिनरल न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्ट मैंने पढ़ा दिया है उसके रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो उसके डाउट्स पूछ सकते हो यू कैन ज्वाइन मी देर अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दैट इज लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव क्लियर्ड अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पे भी इनफैक्ट काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम हम आपके यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं एंड वी हैव स्कोर्ड वेरी गुड सिक्स एटी सिक्स नाइन्टी सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नहीं सेवन सेवन ओ सिक्स का एक बच्चे का आया था मेरे पास मैसेज एक सिक्स फिफ्टी थ्री का आया था एक सिक्स फिफ्टी नाइन का एक सिक्स एटी का आया है सो अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं जो कंटिन्यूसली सिर्फ यूट्यूब और स्पेशल क्लासेज में आ रहे हैं और वहाँ से भी क्रैक कर जा रहे हैं सो इट इज़ अबाउट योर डिसिप्प्लिन एंड योर कंसिस्टेंसी बिकॉज वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग हम भर भर के आपको इन्फॉर्मेशन और नॉलेज और क्लासेज इंटरेस्टिंग तरीके से देते जा रहे हैं आप उसका कितना बेनिफिट उठाते हो दैट इज़ ओनली अप टू यू ठीक है तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स uh, हैं जो आ चुके हैं यहाँ पर ठीक है तो आना के आदमी नी uh, ने एक और नी ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए ऑलरेडी कुछ प्लान और स्कॉलरशिप्स स्कड्यूल किए हैं दैट इज़ फोर्टीन ऑफ नवम्बर दो बजे राइट सो कोड जो आपको यूज करना है दैट इज कोमल लाइव के ओ में एल एल आई वी वीई लाइव इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और एक जगह रुकना अभी मेरे को डीपीपी का बात करना है. तुम लोगों के बड़े दिमाग में रहता है डीपीपी 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 है ना उसकी भी बात करेंगे ठीक है सो यू हैव अ लॉट ऑफ चांसेस टू यू नो गो फॉर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स एंड एक्साइटिंग ऑफर्स दैट यू कैन गेट जिसमें कि आपके पास रिवॉर्ड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ आईपैड्स एमेजोन वाउचर्स स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट फिफ्टी परसेंट एंड फिफ्टीन परसेंट टिल ट्वेल्व हंड्रेड रैंक इतने सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है यू कैन एनरोल फॉर इट पेपर बता दिया मैंने बेटा आपको के ओ एम एल एल आई वी इ लाइव पेपर होगा चौदह नवम्बर को चिल्ड्रंस डे ठीक हैन्स डे होगा तुम्हारा सो एंजॉय दैट टॉप हंड्रेड टू गेट मेन्टोर फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स मेंटोरशिप भी आपको मिल जाएगी सो अगेन कोड रिपीटिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है के ओ एम एल एल आई वी लाइव यूज दिस कोड एंड एंड नए नए बैचेस आ चुके हैं हमारा भी मेधावी बैच शुरू हो जाएगा एक दो दिन में आपको देखने लगेगा मेरा सेशन ऑलरेडी लाइव है दूसरा कॉम्बैट तो हमेशा ही होता है कॉम्बैट टेक्स प्लेस एवरी मंथ ठीक है हर महीने कॉम्बैट होता है एंड दैट इज इलेवन ए एम एवरी सनडे ट्वेंटी एट क्वेश्चन फोर्टी फाइव मिनट्स ठीक है अलग पेपर है सबके लिए ये भी एक स्कॉलरशिप है जो आप ले सकते हो तो इतने सारे स्कॉलरशिप्स हैं इनवाइट कोड आपका रहेगा सेम बेटा कोमल लाइव के ओ एम ए एल एल आई ई लाइव कोमल लाइव यू कैन यूज दिस अगेन टू ज्वाइन मी ऑन प्लस चाहे आप चौदह नवंबर वाला स्कॉलरशिप एग्जाम दो चाहे आप ये कॉम्बैट स्कॉलरशिप अलग से दो ठीक है एंड ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा है डी का सोटॉपिक वाइज डीपीपीज आर अवेलेबल एवरी मंडे टू थर्सडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एट ऑफ नवंबर दैट इज टू डे तो डिस्क्रिप्शन में फिर से इसका लिंक आपको मिलेगा यू कैन यूज दिस एंड एन रोल एंड सोल्व क्वेश्चन ऑन अन अकेडमी लर्निंग एप फ्री में है कोई टेंशन नहीं है यू जस्ट हैव टू ज्वाइन थर्टी मिनट थर्टी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा ठीक है एवरी डे मंडे टू थर्सडे ठीक ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री दोनों के लिए है तो इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों के क्वेश्चन होंगे क श्योर दैट यू आर एनरोलिंग फॉर ऑल दी ऑप्शनिंग यू इतनी चीजें ऑलरेडी आपके लिए कर रहे हैं आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है देर आर लॉड ऑफ थिंग्स देर आर फ्री एंड जस्ट इंक्लूड और रिक्वायर्स योर है नो इंटीग्रेशन और योर पार्टिसिपेशन दट इट ये आपका पार्टिसिपेशन ले रही है और, और कुछ भी नहीं ले रही है ठीक है हर चीज में प्राइस टैक नहीं है हर चीज इज़ देर अ लॉट ऑफ ऑप्शन ऑफ फ्री आर ऑल्सो देर तो आप बिल्कुल उसको देखो एंड गो हैड फॉर दैट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यूज कॉमन लाइफ कोड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास सिक्स थर्टी पर आज हमारी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लाविंग प्लांट्स की क्लास है और चार्टॉक्स में ऊपर मिनरल न्यूट्रिशन का लिंक पिन किया हुआ मैंने ऑलरेडी प्लस पे कवर करा दिया था तो उसके क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी मेक शोर योर देर इन द क्लास कमन लाइफ इज द कोर्ड डू नॉट फॉरगेट एंड